हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अगर ट्रेडिंग करना चाहता है तो मतलब देख के, तो एक काम कीजिए आप, मेरा जो सेटअप है उसको मैं आपको बता देता हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप वहाँ पर आप सेटअप बना सकता है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा पहले दिखा देता हूँ क्या क्या सेटअप लगा के रखा हुआ है मैंने, तो उस हिसाब से आप ड्रॉ करके लाइन रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ करके रखा हुआ है, राइट, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इसमें आप सेटअप लगा सकता है एग्जैक्टली इस हिसाब से, तो वहाँ पर जहाँ से आपको बताएंगे तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकता है और एसएल लगा सकता है इसमें, ठीक है। तो पहले ले लीजिए ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट, 200, 150, 100, 50, 20 और ये 5, ऑल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसका बाद आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लार्ज टाइम फ्रेम बनाया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये जो जस्ट ए मिनट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है ये, तो ये पैरेलल जो हम लोग ड्रॉ करता है ट्रेंड लाइन वो ले लीजिए। तो उसको पहले क्या कीजिए आप, जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिए आप, इसको क्लिक ये कर लीजिए, तो उसको लगा के यहाँ पे भी एक लगा दीजिए और तीन पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, देखा आपने, तो यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट कनेक्ट किया, जैसे फर्स्ट पॉइंट हायर पॉइंट, सेकंड हायर हाई, थर्ड हायर हाई। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गया। तो रेजिस्टेंस लाइन मिला मतलब ये बड़ा वाला रेंज में वन दे, उसका साथ मैंने क्या किया ये लोअर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। कहाँ कनेक्ट कर दिया, अब भी ऐसा बना लीजिए ये दो, राइट, ये हमें मिल गया बड़ा वाला रेंज, ठीक है। तो ये बड़ा वाला रेंज है, मार्केट जब रहता है तो बड़ा वाला रेंज पे बहुत दिन तक रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला रेंज। उसका बाद आप देख लीजिए 4 आवर, तो 4 आवर में मैंने क्या किया, उसको 4 आवर में मैंने फिर से कनेक्ट किया, कहाँ पे ये हायर पॉइंट था, हायर पॉइंट, ये हायर पॉइंट, तीनों हायर पॉइंट को लगा दिया, तो ये लोअर पॉइंट था, है ना। तो देखिए यहाँ पे लोअर पॉइंट आया हुआ है, राइट, तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया फिर से, ठीक है, अप ट्रेंड है। तो ये जो बड़ा वाला लाइन ये लार्ज टाइम फ्रेम का है और ये छोटा वाला 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो ट्रेड करना है तो बड़ा वाला ये रेंज में ट्रेड करेंगे एक इसका अंदर, और दूसरा ट्रेड करेंगे तो ये रेंज में ही हम लोग ट्रेडिंग करेंगे इसका, ठीक है, ये रेंज में। तो ट्रेडिंग करेंगे मतलब जब इसका ऊपर आसपास मार्केट जब आ जाएगा तो यहाँ पे हम बाय करना बंद कर देंगे, और मार्केट यहाँ तक आ जाएगा तो हम सेल करना बंद कर देंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो इसलिए हम देखेंगे नेक्स्ट, ये हो गया 4 आवर का रेंज। तो अभी देखेंगे 15 मिनट, थोड़ा मैं चौथा कर देता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट में और एक चौथा वाला रेंज मिला हुआ है, तो उस रेंज को क्या करेंगे फिर से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ले लिया मैंने, ये हायर पॉइंट हमें मिला और ये हायर पॉइंट, राइट, दोनों हमें हायर पॉइंट मिला, कौन सा मिला हमें, एक हायर पॉइंट यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो एक काम कीजिए आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तो उसको हायर पॉइंट करेंगे और ये लोअर पॉइंट है, राइट। तो क्या करेंगे हम, अभी ये जो अपर बैंड है ऊपर में है उसको लेके ये नीचे लोअर बैंड में हम टच कर देंगे। तो देखिए अब हमें एक उसका बीच में, पहले हमें डेली एक बड़ा वाला रेंज मिला, तो एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉइंग करके हमें बड़ा वाला ऐसा वन डे रेंज मिला, राइट, वन डे पैरेलल रेंज ऐसे मार्केट चल रहा है, उसका बीच में मार्केट मतलब ऐसे ऊपर गया नीचे आया, फिर से अभी मार्केट एक रेंज में, एक ऐसा एक रेंज में जा रहा है डेली में ऊपर की तरफ, ठीक है। उसका बीच और एक छोटा वाला रेंज जा रहा है, वो जो 15 मिनट में जैसा ये है छोटा वाला रेंज, तो हमें अभी बाय करना है, तो हम बाय कहाँ करेंगे, तो इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो आपको बाय एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं मार्केट अभी ये रेंज में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लगा, तो सपोर्टिंग यहाँ पे मिला हुआ है, राइट,
तो अगर मार्केट यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हमें बाय एंट्री कर देंगे ये एरिया में, राइट, ये एरिया में हमें बाय एंट्री करेंगे, एसएल उसका नीचे रखेंगे। कहाँ? ये मूविंग एवरेज इसलिए दिया, तो मतलब 200 मूविंग एवरेज, अगर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया मतलब ट्रेंड फुल्ली सोता टाइम जोन में, मतलब 15 मिनट टाइम जोन में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 200 का नीचे मार्केट आ गया, तो मतलब 15 मिनट जो छोटा वाला टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन 4 आवर में चेंज नहीं हुआ, 4 आवर में अभी भी अप ट्रेंड है, 15 मिनट में क्या है डाउन ट्रेंड हुआ था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, 4 आवर में भी अप ट्रेंड था और यहाँ पे जब क्रॉस किया 200 मूविंग एवरेज को तो मतलब 15 मिनट में भी अप ट्रेंड लिया। तो ये होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो यहाँ से हमें क्या होता है, हमें एंट्री यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि हर सिग्नल हमें ग्रीन मिल गया, मतलब बाय मिल गया, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय एंट्री मिला था। तो इसलिए क्या होता है, मार्केट 200 से बाउंस होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 200 से बाउंस, राइट, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसको क्रॉस ओवर किया, यहाँ से गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें हम यहाँ पे एंट्री क्यों करना चाहता है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है और इसका नीचे हम क्यों एसएल लगा देते हैं, यहाँ एंट्री किया एसएल, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट जो बड़ा वाला रेंज है तो मार्केट वहाँ तक आ सकता है, राइट, डेली, क्योंकि डेली एक बड़ा वाला रेंज में चल रहा है ना। तो अभी मार्केट मतलब ये एरिया ऐसे जाके यहाँ पे मतलब ऐसा एरिया में है, अगर ये जो छोटा वाला टाइम इसको ब्रेकआउट कर दिया ना, ये नीचे तक आ जाएगा, वो जो नीचे बहुत नीचे में है। तो आपको अगर मैंने इसको उठा के दिखा दूँ तो आपको नीचे कहाँ मिल जाएगा, ये बड़ा वाला रेंज। तो इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्टिंग जोन यहाँ तक आ सकता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये सपोर्टिंग जोन से फिर से मार्केट गया नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे तो अगर इसको हमें अगर बाय लिया तो मार्केट ब्रेकआउट किया तो हम एसएल हिट करने दीजिए, उसका बाद नेक्स्ट यहाँ पे जब मार्केट आएगा फिर से बाय करेंगे, ये मिडिल जोन में है, ठीक है। इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट इधर भी आ सकता है, तो इसलिए हमें एसएल स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए, राइट। तो इसलिए आप ये ड्रॉ कर लीजिए, तो अगर यहाँ पे आपको मिले तो बाय जा सकता है, राइट, ये एरिया में, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।